गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन्स। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर डीजल इंजन। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कौन कौन से हैं? एयर इंजेक्शन और एयरलेस इंजेक्शन। एयरलेस इंजेक्शन में टू टाइप्स के आते हैं, मैकेनिकल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। मैकेनिकल इंजेक्शन में कॉमन रेल सिस्टम, इंडिविजुअल पंप सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स, ठीक है? ये आपका मेन है, याद रखना इसको। एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम, हेयर द फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ हाई प्रेशर एयर एट अबाउट 70 बार इनटू द कंबशन चैम्बर। फ्यूल जो है इंजेक्ट होता है प्रेशर के साथ, एयर के, एयर प्रेशर कितना है 70 बार इंटू दी कंबशन चैम्बर के अंदर। इट नीड्स कंप्रेस टू सप्लाई कंप्रेस्ड एयर। ये कंप्रेस एयर को सप्लाई करता है एंड द फ्यूल पम्प टू ड्रॉ एट डिजायर्ड फ्यूल। जो फ्यूल पम्प है वो डिजायर्ड फ्यूल को फ्यूल टैंक से सप्लाई करता है इंजेक्टर के थ्रू। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी एयर इंजेक्शन सिस्टम की? प्रोवाइड गुड ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। गुड ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल है। हैवी विस्कस फ्यूल कैन बी यूज। हैवी विस्कस फ्यूल इसमें यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस हैं, एयर कंप्रेसर नीड्स एक्स्ट्रा मेंटेनेंस। एयर कंप्रेसर जो है उसको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम इज़ बल्की एंड एक्सपेंसिव। सिस्टम जो है वो बल्की और एक्सपेंसिव है इसका। सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम, हेयर फ्यूल इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू दी सिलेंडर विदाउट द एड ऑफ कंप्रेस्ड एयर। इसमें जो है फ्यूल जो है डायरेक्टली सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है विदाउट कंप्रेस्ड एयर के। द फ्यूल डज नॉट वेपोराइज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। फ्यूल जो है वेपोराइज नहीं किया जाता ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। एंड ऑल्सो द फ्यूल सप्लाइड नीड, जितना फ्यूल चाहिए उतना फ्यूल सप्लाई किया जाता है। ऑटोमाइज्ड नीड्स टू ऑटोमाइज एंड मिक्सड विद एयर। ऑटोमाइज और मिक्स किया जाता है एयर के साथ। इट रिक्वायर्स हाई इंजेक्शन प्रेशर इसमें चाहिए होता है, जो कि 70 बार से ज़्यादा होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, टाइप्स क्या क्या हैं? मैकेनिकल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। मैकेनिकल इंजेक्शन इज फर्दर क्लासीफाइड इज कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRDI, इंडिविजुअल पंप सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है? ये फ्यूल टैंक लगा हुआ है, फ्यूल लाइन सिलेंडर्स, एक्यूमुलेटर, हाई प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगी हुई है, नोजल हो गई जहाँ से हमारा फ्यूल सप्लाई होएगा। इसमें सिलेंडर्स लगे, एक से ज़्यादा सिलेंडर्स लगे होते हैं कॉमन रेल सिस्टम में, जो कि नोजल को इजीली फ्यूल सप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं फ्यूल टैंक से। ज़्यादा सिलेंडर्स होंगे तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि हमें जितना फ्यूल चाहिए उतना प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम से। डायग्राम आपने याद रखना है, रोकर आर्म लगी हुई है, लीवर, पुश रॉड, फॉलोअर्स, कैम लगा हुआ है जिसके थ्रू रोकर आर्म मूव कर रही है, स्प्रिंग से अप एंड डाउन मोशन हो रही है, मतलब प्रेशर जनरेट किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं CRDI सिस्टम की? दिस सिस्टम इज सिंपल एंड ईजी टू मेंटेनेंस। सिंपल है और ईजी मेंटेन कर सकते हैं इसको। इट कैन कंट्रोल फ्यूल सप्लाई एज पर लोड। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी फ्यूल सप्लाई को, जितना लोड है उतना ही फ्यूल प्रोवाइड किया जाए, एंड स्पीड ऑफ द इंजन के बेसिस पे होता है ये। इट हैज़ ओनली वन पंप, इसमें एक ही पंप होता है, जो कि मल्टीपल सिलेंडर्स के लिए यूज़ हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी? सिस्टम नीड्स एक्यूरेट डिज़ाइन। इसको, इस सिस्टम को एक्यूरेट डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। There is a chance of developing leakage at the valve seat. इसमें chances होते हैं valve seat के leakage के ज़्यादा। Injection pressure range जो है इसमें 200 to 300 bar pressure रहती है, ठीक है।
इंडिविजुअल पंप, इंडिविजुअल पंप में क्या है, 4 सिलेंडर्स लगा दिए गए हैं, इंडिविजुअल पंप प्रोवाइड कर दिए गए हैं सिलेंडर्स को। उसमें कॉमन रेल में एक ही पंप यूज़ हो रहा था सभी सिलेंडर्स के लिए, इसमें इंडिविजुअल पंप्स यूज़ हो रहे हैं सिस्टम के साथ सिलेंडर्स में, जिससे कि प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा, ठीक है, और फ्यूल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में इंजेक्शन नोजल्स, अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग नोजल्स यूज़ करी जाती हैं। हाई प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए इसमें गियर ड्राइव्स लगी होती हैं कैम के साथ, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जहाँ जहाँ हमें फ्यूल की सप्लाई चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शंस का क्या सिस्टम है, इट यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक सेंसर फॉर प्रिसाइज मीटरिंग। इसमें जो आजकल हमारे मीटरिंग सिस्टम लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लगे होते हैं कईयों पे, तो वो हो गए मीटरिंग चेक करते हैं फ्यूल की इलेक्ट्रॉनिकली। दी सेंसर फीड दी डाटा टू द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो सेंसर्स हैं वो डाटा फीड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, विच डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो कि हमें बताते हैं कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हुआ है, इंजेक्ट होना है डिपेंडिंग अपॉन इंजन स्पीड, इंजन स्पीड पे डिपेंड करके एंड थ्रोटल पोजीशन पे डिपेंड करके कितना फ्यूल यूज़ होना है वो हमें बता हो गया है, वो हमें बता देता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड गिव बेटर माइलेज। कम कंजम्पशन होती है फ्यूल की इससे, और बेटर माइलेज मिलती है। रिड्यूसेस एग्जॉस्ट एमिशन, एग्जॉस्ट एमिशन को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव इंजन पावर, इंजन की पावर को इम्प्रूव करता है। प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, ओवर हीटिंग जो है इंजन्स के अंदर उसको प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग जब हम ब्रेक लगाते हैं या आइडियली कंडीशन में होता है हमारा इंजन, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू डिलीवर एक्यूरेट मीटर्ड क्वांटिटी, डिलीवर जो है एक्यूरेटली मीटर करके जितनी क्वांटिटी हमें फ्यूल की चाहिए उतनी ही भेजी जाए। हाई प्रेशर इन दी रेंज, हाई प्रेशर रेंज कितनी है, 100 बार से 300 बार नीडेड, डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड होती है इंजन के। टू अचीव रिक्वायर्ड ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल मस्ट बी इंजेक्टेड एंड टर्मिनेटेड एट द करेक्ट टाइमिंग। फ्यूल जो है वो इंजेक्ट करे करेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पंप, जर्क टाइप इंजेक्शन पंप या फिर बोश फ्यूल इंजेक्शन पंप, और डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इंजेक्शन पंप। बोस टाइप इंजेक्शन पंप जो है वो उसमें प्लंजर बार लगा हुआ है, प्लंजर गाइड, इनटेक पोर्ट, फ्यूल पंप हो गया आपका, प्लंजर, स्प्लिट पोर्ट, टू कंट्रोल वॉल स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि अप एंड डाउन मोशन करेगा, फ्यूल इनलेट जाएगा और फिर फ्यूल इसमें से एग्जॉस्ट होएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये, जो कि फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है इंजन के अंदर, ठीक है। बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, एंड ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का एंड हो चुका है, फ्यूल इंजेक्ट हो चुका है जबकि हमारा बीडीसी पोजीशन पे होएगा। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर में टू टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स लगेंगे, प्लंजर, एक में इनलेट पोर्ट है, एक में आउटलेट पोर्ट है और बीच में इनके रोटर्स लगे हुए हैं। इनलेट पोर्ट से इनलेट होएगा और उसके बाद दूसरी साइड जाके वो आउटलेट पोर्ट से आउट होके और इंजन में सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप के अंदर। नोजल्स, नोजल इज ए पार्ट ऑफ एन इंजेक्टर थ्रू विच द फ्यूल इंजेक्टेड इन टू द कंबशन चैम्बर। नोजल जो है वो एक इंजेक्टर के फॉर्म है जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है इन दी कंबशन चैम्बर। डिज़ाइन ऑफ नोजल शुड बी सच दैट द लिक्विड फ्यूल, डिज़ाइन जो है नोजल का वो लिक्विड फ्यूल लीविंग द नोजल ऑटोमाइज्ड
विच हैव प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल की प्रॉपर मिक्सिंग करके आगे भेजा जाए। टाइप्स ऑफ नोजल यूज्ड इन एन इंजेक्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्बशन चैम्बर की टाइप पे डिपेंड करता है कि नोजल किस टाइप की हमारी बनेगी। वेरियस टाइप्स ऑफ नोजल, दी पिंटल नोजल, दी सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल, पेंटेक्स नोजल, ये हमारी टाइप्स हैं नोजल की। पिंटल नोजल, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? हैव थिन एंड इन दी फॉर्म ऑफ पिन, पिन की तरह की होएगी ये। शेप ऑफ द पिन कैन बी वेरिड, हॉलो सिलेंड्रिकल जेट और वाइड एंगल स्प्रे कैन बी ऑप्टेन, वाइड एंगल स्प्रे ऑप्टेन करेगी ये। एडवांटेजेस क्या है? इट अवॉइड ड्रिबलिंग ऑफ दी फ्यूल इन दी कम्बशन चैम्बर, ड्रिबलिंग जो है फ्यूल की उसको अवॉइड करता है। सिंगल होल नोजल, सिंगल होल नोजल की स्पेसिफिकेशन क्या है? इन सिंगल होल नोजल इज बोर्ड एट, बोर्ड होती है बॉटम्स, बॉटम टिप ऑफ नोजल से। होल जो है इसका 0.2 mm का होता है। स्प्रे कोन एंगल ऑब्टेन रेंज फ्रॉम 5 to 20 degree, स्प्रे जो है इसकी 5 to 20 degree के बीच में। एडवांटेजेस क्या है इसकी? सुटेबल फॉर ओपन कम्बशन चैम्बर, ओपन कम्बशन चैम्बर के लिए सुटेबल होती है ये। गिव स्मॉल स्प्रे, डिसएडवांटेजेस क्या है? स्मॉल स्प्रे कोन एंगल है। हैव ए टेंडेंसी टू ड्रिबल, टेंडेंसी है ड्रिबल के अंदर। मल्टी होल नोजल स्पेसिफिकेशन क्या है? हैव मल्टीपल होल बोर्ड एट द टिप ऑफ द नोजल, मल्टीपल होल्स होंगे, ये आपको दिख रहा है ना, थ्री होल्स दिखाए गए हैं इसमें। नंबर ऑफ होल्स वेरीज फ्रॉम 4 to 8 के बीच में इसके होल्स होते हैं। डायमीटर वेरी करता है 0.2 mm टू 0.35 mm के बीच में। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन द चैम्बर, इंश्योर होता है इसमें प्रॉपर मिक्सिंग होएगी फ्यूल की चैम्बर के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? इट रिक्वायर हाई इंजेक्शन प्रेशर, इसमें हाई इंजेक्शन प्रेशर चाहिए जो कि जिसकी रेंज है 180 to 200 bars। पिंटेक्स नोजल, पिंटल टाइप ऑफ नोजल विद दी ऑक्सिलरी होल ड्रिल्ड इन इट, ऑक्सिलरी होल्स बनाए जाते हैं इसके अंदर। ऑक्सिलरी होल इंजेक्ट्स फ्यूल इन ए डायरेक्शन ऑफ अपस्ट्रीम द डायरेक्शन ऑफ एयर बिफोर द मेन इंजेक्शन स्टार्ट्स। एडवांटेजेस क्या हैं? इट रिड्यूसेस द डिले पीरियड ड्यू टू बेटर हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्यूल एंड एयर, इट रिजल्ट्स इन टू बेटर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है पूछ सकते हो, नोट्स इसी में से बनाओगे आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।